हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9 का चैप्टर 2 उसका एक्सरसाइज 2.3 जो वो यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। यदि स्टूडेंट्स अगर आप पूरे क्वेश्चन को समझना चाहते हैं 2.3 को, तो हमारे वीडियो को अंत तक देखें। यदि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद तनवीर सर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, हमें पॉलीनोमियल्स दिया हुआ है। इसका हमें क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। जहां पे किससे रिमाइंडर फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है, तो यहाँ पे x प्लस वन, यहाँ पे हमें एक हमें दिया हुआ है डिवाइजर, इससे भाग देने के बाद जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स x प्लस वन दिया है, ठीक है, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो मान लेते हैं x प्लस वन इज इक्वल टू क्या मान लोगे, जीरो। माना कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे x हमारा कॉमन आ जाएगा। तो देखो ये प्लस वन जाके इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस वन यहाँ पे हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन यहाँ पे आ गई। अब क्या करना है, इसको लिख देना है पी एक्स इज इक्वल एक्स की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना फाइंड किया हमने, माइनस वन। तो आपको यहाँ पे लिखना है x इज इक्वल टू माइनस वन। फिर डायरेक्ट क्या करेंगे, वैल्यू में यहाँ पे हम रख देंगे। कितना दिया मेरे पास, माइनस वन का फिर क्यूब, ठीक है, फिर 3, फिर माइनस वन क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, वन हो जाएगा। आगे स्टूडेंट्स 1 का कर रहा है क्यूब, यानी माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन। माइनस माइनस स्टूडेंट्स क्या हो गया, प्लस, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस। 1 का गुणा जितनी बार भी करेंगे वो कितना आंसर आएगा स्टूडेंट्स, 1 ही आने वाला है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आ गया, माइनस वन आ गया, ठीक है। प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हमारे पास हो गया, 1। आगे कितना है दिया है, 3। अब देखो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, माइनस 3 एकम कितना हो गया, 3। प्लस कितना हो गया, 1। आगे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। माइनस 1 प्लस 3 एकम कितना हो गया, 3, ठीक है, माइनस 3 प्लस 1। अब जो चीज़ जुड़ती है उसे जोड़ दो और जो घटती है उसे घटा देना है, ठीक है। तो देखो माइनस 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 4, क्योंकि माइनस और माइनस इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस होता है। इसलिए माइनस 3 और माइनस माइनस 1 कितना हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स, माइनस 4 हो गया। प्लस 3 और प्लस 1 कितना हो गया, 4। माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हमारे पास आ गया, 0 यहाँ पे आ गया। तो इस तरह इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x माइनस 1/2 से डिवाइड करना है, और हमें क्या करना है, रिमाइंडर यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, रिमाइंडर कितना, 0 होता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 ले लेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 यहाँ पे हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या, अगर x की जगह पे 1/2 यहाँ पे रखते हैं तब रिमाइंडर जाके क्या होगा, 0 आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ के अंदर क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है। आपको यहाँ पे मान लेना है पी एक्स, ठीक है। तो पी एक्स क्या, ये हमारी वैल्यू जो होती है वो पी एक्स ऐसा मानना है हमें, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देना कि ये हमारा पी एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब क्या करना है, आपको x की जगह पे जो यहाँ पे मैंने लिया, कितना लिया, 1/2, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स 1/2 राइट कर देना। अब जहां जहां भी x है वहां पे स्टूडेंट्स हम क्या रखेंगे, 1/2। तो चलिए स्टूडेंट्स 1/2 को रख देते हैं, क्यूब हो गया 3, फिर क्या रखोगे स्टूडेंट्स, 1/2 का स्क्वायर प्लस 3, फिर क्या रखोगे, 1/2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, यहाँ पे क्या, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का क्यूब, सॉरी 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना हो गया हमारे पास, 8 प्लस, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। अब 3 गुणा 1 यानी 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 3 प्लस 3 एकम कितना हो गया, 3 अपॉन में 2 प्लस कितना हो गया, 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे सबका एलसीएम अलग अलग है, तो मैंने माना कि इन तीनों का, चारों का एलसीएम कितना है, 8 है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो 8 है क्या, नहीं है, यानी अगर मुझे यहाँ लाना है 8, तो मैं किससे गुणा करूँगा, 2 से। अब 2 से गुणा नीचे करें आपने किया, यानी हर में किया, डिनोमीटर में किया, तो आप नोमिनेटर में भी, यानी हर अंश में भी किससे गुणा करोगे, 2 से करोगे। उसी तरह यहाँ पे अगर लाना है 8, तो किससे गुणा करना होगा, 4 से। 4 से आपने गुणा किया हर में, तो अंश में भी किससे गुणा करोगे, नोमिनेटर में भी 4 से करोगे। उसी तरह यहाँ पे अगर लाना है 8, तो नीचे भी 8 से गुणा करना होगा, ऊपर भी किससे गुणा करना होगा, 8 से करना होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे राइट करते हैं, 1 प्लस 3 दुनी 6 प्लस 3 चौक 12 प्लस कितना हो गया हमारे पास, 8 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1 और 6 कितना हो गया, 7, 7 और 12 कितना हो गया, 19, 19 और 8 हमारे पास कितना हो गया,
27 हो गया, तो 27 बटे में कितना आ गया, 8 आ गया। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इसका रिमाइंडर यहाँ पे कितना आएगा, 27 बटे में 8, तो ये इसका रिमाइंडर होगा। स्टूडेंट्स क्या दिया वहाँ पे, x दिया हुआ है। तीसरा सवाल, x दिया इज इक्वल टू क्या मान लोगे, 0 मान लोगे, ठीक है। यानी आपको पी एक्स की जगह पे, ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रखोगे, 0 रखोगे, ठीक है। इक्वेशन हमें जो दिया वो सेम लिख देना है, इक्वेशन सेम हमने राइट कर दिया। अब x की जगह पे क्या रखोगे, 0, यानी क्यूब 3, 0 का फिर क्या हो जाएगा स्क्वायर 3, फिर 0, फिर 1 का 1, ठीक है। 0 का 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आने वाला है, ठीक है। इधर भी 0 आ जाएगा, इधर कितना आ गया 1, यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना हमारे पास आया, अगर हम भाग देते हैं तो हमारे पास इसका रिमाइंडर कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1 हमारे पास आएगा। तो तीसरा सवाल भी स्टूडेंट्स इस तरह हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आगे का स्टूडेंट चौथा सवाल देखते हैं। यहाँ पे चौथा सवाल दिया हुआ है x प्लस क्या दिया हुआ है, पाई हमें दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे यहाँ पे, तो x को निकाला मैंने कॉमन, यानी इधर क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो इधर कुछ नहीं है प्लस, इस जगह क्या हो जाएगा माइनस पाई यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, वैल्यू के अंदर पुट कर देना, यानी इधर x था, x की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस पाई। इक्वेशन क्या दिया है, पहले माइनस में क्यूब ले लेना है, ठीक, क्यूब ले लिया, उसके बाद 3 दिया है, फिर माइनस पाई का स्क्वायर कर देना है, फिर आगे कितना दिया है 3, फिर x की वैल्यू कितनी है माइनस माइनस पाई प्लस, फिर आगे कितना दिया 1, तो 1 ले लेना है, पाई का क्यूब क्या हो जाएगा माइनस पाई क्यूब हो जाएगा प्लस। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस पाई का स्क्वायर दिया है इसलिए क्या हो जाएगा 3 पाई का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, इधर कितना हो गया 3 पाई प्लस कितना हो गया 1 यहाँ पे हो गया। तो स्टूडेंट्स इसका रिमाइंडर क्या रहेगा, इतना ही यहाँ पे रहेगा। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ हमें, क्या दिया हुआ ये पॉलीनोमियल्स दिया, ऐसे भी करना है डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। तो मान लेंगे इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 फाइंड करना है, ठीक है। इसलिए तो हम क्या करेंगे, अब 2x हमारा कॉमन आ जाएगा, तो 5 इधर प्लस इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होता है, डिनोमेटर में 1 होता है, मतलब हर में 1 होता है, ठीक है। तो x को निकाल लूंगा मैं कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 5 अपॉन कितना हो जाएगा 2, यानी स्टूडेंट्स x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 5 अपॉन 2 हमारे पास आ गई। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, इस वैल्यू के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे x की जगह पे क्या रखोगे माइनस 5 अपॉन 2 यहाँ पे हम रख देते हैं, तो वही आपको लिख देना p x की जगह पे क्या लिखोगे माइनस 5 अपॉन 2। क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ, पहले क्या करना है क्यूब रखना है, यानी माइनस 5 अपॉन 2 का क्या रखोगे क्यूब, फिर प्लस 3, फिर स्क्वायर करना है माइनस 5 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस, फिर क्या दिया है 3 माइनस 5 अपॉन 2, फिर प्लस कितना दिया है यहाँ पे 1 दिया हुआ है। अब स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं, इसका क्या करना है हमें क्यूब करना है, यानी माइनस 5 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 5, ठीक है। माइनस 5 का 5 बार गुणा करना है, ठीक है। 5 पंचे कितना हो गया 25, 25 पंचे कितना हो गया 125 हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, माइनस अभी गुणा कर रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 125 आएगा। उसी तरह 2 का करोगे क्यूब तो कितना हो, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया 8 प्लस, ठीक है। अब देखो माइनस 5 का स्क्वायर करो यानी कितना हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 4 प्लस। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि गुणा होगा, 5 तिया कितना हो गया हमारे पास 15, नीचे 2 का 2 कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है, प्लस कितना हो गया 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे कि सबका देखो एलसीएम अलग अलग है, तो मैंने मान लिया सबसे जो बड़ी वैल्यू ये क्या है, इन सबका एलसीएम है, तो 8 ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे लाना है 8, तो डिनोमीटर में यानी हर में किससे गुणा करना होगा, 2 से गुणा करना होगा। जब आप 2 में गुणा करेंगे हर में, तो ऊपर क्या करना होगा, अंश में भी 2 से गुणा करना होगा, यानी डिनोमीटर और नोमिनेटर दोनों में सेम वैल्यू से गुणा करना होगा। अब यहाँ पे लाना है 8, तो किससे गुणा करना होगा 4 से, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से। अब इधर भी लाना है 8, तो नीचे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 8 से करूंगा, और ऊपर भी किससे करूंगा मैं 8 से करूंगा, तो सब जगह 8 आ जाएगा पूरा। अब वैल्यू आपको राइट कर देनी, 125 प्लस 25 दुनिया मेरे पास कितना हो गया 50 यहाँ पे, सॉरी देखो 5 25 25 25 तिया कितना स्टूडेंट्स होगा हमारे पास 75 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 75 आ जाएगा, ठीक है। 75 मल्टीप्लाई बाई 2 करना है, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा हमारे पास 75 दुनी 150, यानी 150 हमारे पास हो जाएगा। माइनस
15 फोर से कितना हमारे पास होता है 60, यानी 15 चौक 60 होता है, प्लस 8 एकम कितना होता है हमारे पास 8। आगे स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 125, माइनस को माइनस के पास ले लो, प्लस को प्लस के पास ले लो, कितना हो गया माइनस 60, फिर प्लस 150 और प्लस 8, अपॉन में कितना है 8, तो 8 लिख दो, आगे सॉल्व कर लो, कितना हमारे पास हो जाएगा माइनस 185, 20 और 60 80, 80 और 5 कितना हो गया 85, 100 दिया है तो 185 ही आ जाएगा, प्लस 150 और 8 कितना हो गया 158 हो गया, बटे में कितना दिया 8 दिया हुआ है, 185 में से 158 घटा दो, यानी इधर कितना बचा 2 और यहाँ कितना बचा 25, 25 और 2 कितना हो गया हमारे पास 27 हो गया। अब बड़ी वैल्यू किस में, माइनस में, इसलिए क्या जाएगा माइनस में, यहाँ पे कितना हो गया 8, अब किसी से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। तो इस तरह पहले सवाल का क्वेश्चन नंबर 5 जो हो गया फिनिश हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या आएगा रिमाइंडर आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हमें रिमाइंडर फाइंड करना है ए एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए का, अगर यहाँ पे x माइनस ए दिया हो तो, ठीक है, अगर आप टेक्स्ट बुक में यहाँ पे देखेंगे तो x माइनस ए दिया, इससे अगर डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या करना है फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे मान लेंगे यहाँ पे इसका जीरो क्या है, जीरो है, ठीक है, तो x को मैंने कॉमन निकाला तो a जाके इस साइड क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इधर जाएगा तो क्या हो गया प्लस आ गया, यानी अब आपको क्या करना है पी एक्स की जगह पे, ठीक है, यहाँ पे जो x है वहां पे क्या रखोगे आप a रख दोगे, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे a रख देंगे। अब पी एक्स में क्या लिखोगे, सवाल जो दिया वो सेम आपको सवाल पूरा यहाँ पे कॉपी कर देना है, का खास ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स को। तो चलिए स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं, एक्स की जगह पे ए रखते हैं, पहला क्यूब हो गया फिर ए, ठीक है, फिर क्या रखना है ए का स्क्वायर प्लस 6, एक्स की जगह पे ए रखना है माइनस ए, सॉल्व कर लेते हैं, ए का क्यूब क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा माइनस, आगे चलते हैं, अब देखो ए का यहाँ पे क्या हो गया स्क्वायर और यहाँ पे गुणा दिया है ए, यानी गुणा ए रखना है, ठीक है, आगे 6a यहाँ पे हो गया माइनस कितना है 8। आगे स्टूडेंट सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम, अब आपको ध्यान रखना है ये आपका इक्वल एकदम बराबर जाना चाहिए, ठीक है, तो देखो यहाँ पे a का क्यूब तो क्यूब रहेगा, a का स्क्वायर और इंटू ए, यानी क्या हो जाएगा a की घात 3, जब गुणा होता है ना तो घात जो होती है आपस में जुड़ जाती है, ठीक है, प्लस 6a में से एक ए घट गया, यानी कितना बचा हमारे पास 5a बच गया। अब देखो ये प्लस है या माइनस है, यानी कट गया, यानी हमारे पास इसका रिमाइंडर कितना हमारे पास आया स्टूडेंट्स 5 है यहाँ पे हमारे पास आ गया, तो ये जो है ये हमारा रिमाइंडर है, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे इसका 7 + 3x हमें दिया हुआ है, तो इसका गुणनखंड है कि नहीं, ये जो हमें दिया पॉलीनोमियल इसका गुणनखंड है कि नहीं वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा 7 + 3x = हम क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, ठीक है, 7 को उस साइड ले लो क्योंकि 3x को कॉमन निकालना है मुझे, कॉमन निकाला मैंने तो 7 देखो इधर माइनस में सॉरी प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, x को निकाल लिया कॉमन, बचे में बटे में कितना 1 उठा है तो 1 ले लेना हमें, ठीक है, तो माइनस 7 गुणा करो 3 एकम कितना हो गया 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 7 अपॉन में कितना आ गया 3 आ गया। अब सेम वैल्यू में पुट कर देना है पी एक्स, वैल्यू कितनी दी है 3x³ + 7x दिया हुआ है, ठीक है, x की वैल्यू क्या रखनी है हमें यहाँ पे, तो रखनी है माइनस 7 अपॉन में 3, तो रख देते हैं 3 माइनस 7 अपॉन में 3 का क्या हो गया क्यूब प्लस 7 माइनस 7 अपॉन में 3, ठीक है, इतना हमारे पास यहाँ पे दिया। स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं 3 का 3, अब 7 का 3 बार मल्टीप्लाई करना, यानी माइनस 7 इंटू माइनस 7, 7 × 49 दिया कितना होता है 343 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो चलिए कितना हमारे पास आ गया माइनस 343, 3 का स्क्वायर 3 × 9 9³ = 27, चलिए ये तो हो गया, आगे चलते हैं गुणा करना है 7 कितना हमारे पास हो गया 49, बटे में कितना हो गया 3, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, आगे चलते हैं, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है आपको मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या 3 कॉमन दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, तो मैं इसको भाग देता हूँ नीचे वाले से, ठीक है, 3 × 9 कितना हो गया यहाँ पे 27 हो गया, यानी यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 9 और यहाँ पे माइनस 343 माइनस 49 बटे में कितना हो गया 3। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे कि देखो इसका एलसीएम कितना दिया हुआ 9 दिया, इसका कितना दिया हुआ 3 दिया है, यानी यहाँ पे अगर मुझे 9 करना है तो 3 को किससे गुणा करना होगा 3 से, इसलिए अगर 3 से नीचे गुणा किया तो 3 से आपको ऊपर भी गुणा करना होगा, तब इसका एलसीएम कितना यहाँ पे 9 आ जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे माइनस 343, ठीक है, 49 का गुणा करो तीन में, यानी 3 9 का कितना, 27 का कितना हो गया 7, ठीक है, कैरी कितना हमारे पास आ गया 2, हासिल 2 आ गया, अब 3 6 कितना हो गया 12 प्लस 2 कितना हमारे पास हो गया 14, ठीक है, 12 2 कितना हमारे पास 14, माइनस दिए तो क्या लगा दोगे माइनस। अब स्टूडेंट्स माइनस और माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस हो जाता है, ठीक है, तो 7 3 कितना हो गया 10, हासिल कितना लगा 4 4 कितना हो गया 8, और ये कितना हमारे पास हो गया यहाँ पे 9, 1 3 कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 4, यानी कितना आ गया 490 बटे में कितना आ गया 9। अब देखो ये किसी 9 से कटेगा क्या, तो देखते हैं यहाँ पे 9 6 कितना हो जाएगा 36, ठीक है, फिर कितना बचेगा हमारे पास 36 और 3 से करते हैं, 3 3 कितना हो गया 9, 3 एकम 3, फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा 19, 3 6 18 नहीं कटेगा, 490 बटे में कितना हमारे पास 9, इसका ये क्या रहेगा गुणनखंड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखोगे माइनस दिया तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे आप देखोगे कि माइनस 490 बटे में जो यहाँ पे 9 है इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर है क्या, नहीं है, इसका मतलब कि 7 3x जो है वो इसका गुणनखंड नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 490 बटे में 9 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू रिमाइंडर इसका 0 आ जाता तो इसका मतलब क्या होता है, ये इसका गुणनखंड होगा, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है इसलिए 3x³ + 7x का ये फैक्टर नहीं है, गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.3 के हमारे 3 क्वेश्चन जो थे वो यहाँ पे सॉल्व होते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।